41 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है पाई बॉन्ड। अब देखो जहां क्लोरीन है इथाइल, इग्नोर करो पहले पाई बॉन्ड को नंबरिंग देंगे। पाई बॉन्ड के हिसाब से ये 1 2 3 4 5 6। अब लिखने का रूल क्या है, डेक्स से 1 क्लोरो, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे आएगा 1 क्लोरो देन 3 इथाइल देन साइक्लोहेक्सीन, बिकॉज रूल ये कहता है कि भले पाई बॉन्ड को गेट प्रेफरेंस दिया पर लिखते समय इथाइल का ई और क्लोरो का सी पहले, सी आएगा। अल्फाबेटिकल के राइटिंग में अल्फाबेटिकल का ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हाउ मेनी कार्बन आर सिंपलेस्ट एल्काइन हैविंग टू साइड चेन। तो भैया सिंपलेस्ट एल्काइन तो ये होती है, पहला मोड हो गया। अब एल्काइन में अगर आप ये बनाओगे तो ये ब्रांच थोड़ी ना कहलाएगी, ये तो गलत बात होगी, तो लीनियर चेन होगी, बिकॉज 1 2 3 आ जाएगा। इसका मतलब मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, मैं कार्बन के बाद ऐसे नहीं बना सकता, मुझे एक ब्रांच, ये ब्रांच इसको कहते हैं, बिकॉज मुझे 1 2 3 4 की फीलिंग आ रही है। तो भैया इसका मतलब दो ब्रांच का मतलब आपके पास टोटल कितने कार्बन होने चाहिए, 6 कार्बन होने चाहिए। इवन हम इसका नाम भी पूछ सकते हैं 3-3-डाइमिथाइल ब्यूटाइन, तब जाके ये एक सही आंसर के रूप में यूज हो सकता है। बेवकूफ मत बनना, ब्रांच का मतलब पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनाओ फिर दो साइड चेन की बात करो। अगला क्वेश्चन, द मोल के फॉर्मूला ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ द फैमिली जिसका नाम इन आइन दोनों अवेलेबल। तो भैया फर्स्ट मेंबर का मतलब ये कि बच्चा सोचता है कि सर ये इन बना लिया और ये आइन बना लेते हैं, बेटा गलती ही होती है, कार्बन के लेंस को 5 करके मानोगे क्या? इसका मतलब आपको 2 कार्बन के बाद फिर 3 कार्बन का भी बताना पड़ेगा, तब जाके आप वैलेंसी को सेटिस्फाई कर पाओगे, फिर बाकी सब एच को भी काउंट करोगे, तब लगेगा कि यार पहला मेंबर हमारा C4H4 है, 1 2 3 4। एक्चुअली उसने एक तरीके से होमोलोगस पूछा है आपसे। ओके, आईयूपीएसी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आपसे इसका आईयूपीएसी नेम पूछना चाहता है। तो भैया क्या यूज किया जाएगा, अब ध्यान से देखो पाई बॉन्ड यहाँ पे कहाँ कहाँ अवेलेबल है, बिकॉज वही इस पूरे गेम को खेलेंगे। पाई बॉन्ड यहाँ भी है, पाई बॉन्ड यहाँ भी, और यहाँ पाई बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के रूप में संभल के यूज कीजिएगा। अब प्रॉब्लम में नंबरिंग कहाँ से करें, तो जहाँ नंबरिंग दोनों ओर से कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबरिंग आ रही है 2 4 6, यानी एक ओर से नंबरिंग करी तो नंबरिंग 2 4 6 आ रही है। अब एक बार नंबरिंग को साइड से भी कर लेते हैं, जज कर पाएंगे, देख से 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबरिंग 2 आ रही है, 4 आ रही है, 6 आ रही है, अब जाके फंस गए 2 4 6। अब जब दोनों बराबर हो तो अल्फाबेटिकल में पहले इन यानी पहले ग्रीन कलर जीतेगा, तो नाम आ गया ऑक्टा तो आएगा ही आएगा, फिर आपके पास लोकेशन आएगी 2 4 डाइईन, उसके बाद 6 आइन, आपका आंसर ये आएगा। क्योंकि हमने रूल सीखा है अगर लोकेशन बराबर हो तो फिर हम अल्फाबेटिकल को देख के आंसर देते हैं। 45 क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या पूछा गया है, करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस 2-ethyl-pent-3-ine। तो पहले तो अपन ये बना लेते हैं, 2-ethyl-ethyl बना लिया, pent-3-ine, 1-2-3-ine ये बना लिया। आपको समझ में आएगा कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का रूल ही बड़बड़ा दिया है। क्यों बड़बड़ा दिया, क्योंकि हमें पता है कि 1 2 3 4 के बाद इधर कहाँ जा रहा हूँ, 5 6 जाना चाहिए, देख देन वी हैव टू से 4-methyl, फिर पाई बॉन्ड की लोकेशन 2 पर आ रही है, तो हम बोलेंगे 4-ethyl-pent-2-ine। इसका मतलब हमारे पास ये आंसर आना चाहिए, बट आपको लग रहा है कि पेंट वर्ड तो आना ही नहीं चाहिए था, 4-methyl की गलती तो कर ही दी है, 4-methyl, यस, फिर hex-2-ine, दैट्स व्हाई योर चॉइस इज सी नॉट दिस। बेवकूफ मत बनना, कार्बन इसमें 6 है, 5 काउंट नहीं हो जाए। ओके, ये गलतियां जनरली होती हैं।